Good morning everyone. In this video we will read the poem The Wind on the Hill. The point of the poem is A.A. Milne. So let's firstly read about the poet A.A. Milne. So Alan Alexander Milne, 1882 to 1956, was an English author and playwright. ये जो ए ए मिलनी जिसकी फुल फॉर्म है एलन अलेक्जेंडर मिलनी, ये एक इंग्लिश ऑथर है, ये एक ब्रिटिश का राइटर है और इसने ये एक प्ले राइट भी है, दैट मीन्स कि ये नाटक भी इसने लिखे हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक्स अबाउट क्रिस्टोफर रॉबिन्स, टेडी बियर, विनी द पू. और इसको इसकी जो बुक्स हैं क्रिस्टोफर रॉबिन्स, टेडी बियर एंड विनी द पू, इनके लिए इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है. दैट मीन्स ये इसकी फेमस बुक्स हैं. ही हैज़ ऑल्सो रिटन सेवरल पोइम्स, और इसने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी हैं, जिनमें से एक पोइम जो हमने आज रीड करनी है, द विंड ऑन द हिल. सो फर्स्टली लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑफ ए ए मिलने. दिस इज ए ए मिलने, एलन अलेक्जेंडर मिलने. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइम. In the warm up we have, can you think of some ways to describe wind? Work in groups of four and find out four words to describe it. ये जो आपको पता है स्टूडेंट्स, पोइम जो है ये हेडिंग से, टाइटल से क्लियर हो रहा है कि विंड के बारे में है. विंड मीन्स हवा, ठीक है, हवा के बारे में है. और इसमें वार्म अप में भी ये क्वेश्चन पुट किया है कि क्या आप हवा को और डिस्क्राइब कर सकते हो, दैट मीन्स इसके और फोर फीचर्स हमने बताने हैं, क्या बता सकते हो. सो यहाँ पे हमने फोर फीचर्स विंड के, हवा के डिस्क्राइब करने हैं. सो फर्स्ट ऑलरेडी रिटन है कोल्ड, कि विंड कैसी होती है, कोल्ड भी होती है. नेक्स्ट विंड हॉट, गर्म हवा भी होती है. विंड स्टॉमी, स्टॉमी मीन्स जो बहुत तेज़ अंधेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत तेज़ हवा. एंड ब्रीज, ब्रीज मीन्स लाइट एंड कोल्ड हवा, ठीक है, मीठी मीठी जो हवा होती है. सो ऐसे हमने विंड को डिस्क्राइब कर दिया, फोर वर्ड्स उसके लिए हमने यूज़ किए कि विंड कोल्ड, हॉट, स्टॉमी या ब्रीज, ये सब हो सकती है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. स्टूडेंट्स ये जो पोएम है इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 and 5, देर आर टोटल 5 स्टैंजास. जो इसमें पैराग्राफ होते हैं पोएम में उनको स्टैंजास बोलते हैं. देर आर 5 स्टैंजास इन दिस पोएम, और हर एक पोएम की में 4-4 लाइन्स हैं. नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोस, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोस. नो वन कैन टेल मी, नोबडी नोस, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोस. सो ये स्टार्टिंग में ये जो इसमें पोएट है चाइल्ड लाइक नरेटर है, जैसे कोई बच्चा है हवा को देखता है कि ये कहाँ से चल रही है, कहाँ पे जा रही है, ऐसे ये इमेजिनेशन करता है, देखता है एंड इनको ऑब्जर्व करता है, ये जो पोएट ए ए मिलनी है. सो ये फर्स्ट स्टैंजा में स्टार्टिंग कैसे करता है कि क्वेश्चन रेज करता है कि कोई नहीं मेरे को बता सकता और ना ही कोई जानता है कि हवा कहाँ से आती है और हवा कहाँ को जाती है. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुडंट कीप अप विद इट, नॉट इफ आई रैन. इट्स फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर एज फास्ट एज इट कैन, आई कुडंट कीप अप विद इट, नॉट इफ आई रैन. एंड नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये उड़ती है जहाँ भी ये चाहती है, ये हवा उड़ती है और जितना तेज हो सके उतना ये उड़ती है. बट कहता है कि मैं इसके साथ नहीं उड़ पाता, चाहे मैं भागता भी था फिर भी मैं इसके साथ उड़ नहीं पाता था, ऊपर नहीं उठ पाता था. बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट. बट इफ़ आई स्टॉप्ड होल्डिंग द स्ट्रिंग ऑफ माई काइट, इट वुड ब्लो विद द विंड फॉर अ डे एंड अ नाइट. बट कहता है कि पर जब मैं अपनी काइट, जो अपनी पतंग है उसकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स जो धागा, थ्रेड है काइट का, जो काइट के साथ काइट को उड़ाने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं. सो कहता है कि जब मैं अपनी पतंग का धागा
छोड़ता था तो जिधर को मेरी पतंग पूरा दिन पूरी रात जाती थी उधर कोई हवा भी जाती थी। ठीक है, देन ये कहता है, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट ब्लू आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू, एंड देन व्हेन आई फाउंड इट वेयर एवर इट ब्लू आई शुड नो दैट द विंड हैड बीन गोइंग देयर टू। और कहता कि तब मेरे को पता चला कि जहाँ पे मेरी काइट जा रही है उधर कोई हवा भी जा रही थी। एंड कहता कि फिर मेरे को पता चला कि हवा भी उधर को ही जा रही थी, और सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नबडी नोज। सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नबडी नोज। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि तब मैं ये जान पाया कि हाँ कहाँ को हवा जाती है। अब उसको पता चल गया था कि हवा की डायरेक्शन क्या है। इन दोनों स्टैंजास में लास्ट में वो हवा की डायरेक्शन के बारे में जान के पता कर रहा है और बता रहा है कि अब मेरे को पता चल गया कि हवा की डायरेक्शन क्या है, वो किधर को जाती है। जिधर को मेरी काइट जा रही थी, पतंग जा रही थी, उसी तरफ को हवा गई है। बट एट द एंड अगेन उसका एक क्वेश्चन अनआंसर्ड ही रह जाता है, एक क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं मिलता कि हवा जाती किधर है। ये तो उसको पता चल गया, उसने नोटिस किया कि हाँ जिधर को मेरी काइट जा रही है, बट कहता है कि वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोस, कि किसी को नहीं पता कि हवा आती कहाँ से है। सो एट द एंड पॉइंट का ये जो क्वेश्चन है ये अनआंसर्ड ही रह जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्लियर होगी। एंड इसमें जस्ट जो पॉइंट है वो एज अ चाइल्ड, जैसे बच्चे हैं एज अ चाइल्ड लाइक नरेटर ये विंड के बारे में ही बातें कर रहा है कि कहाँ से हवा आती है, कहाँ वो जाती है, फिर वो उसकी डायरेक्शन का पता करने की कोशिश करता है कि ये अब जाती कहाँ है। देन वो जब काइट उड़ा रहा था और अपने उसने काइट की स्ट्रिंग को छोड़ा, काइट का जो धागा उसको छोड़ा, तब उसने देखा कि जिधर जिधर को पूरा दिन पूरी रात उसकी काइट उड़ी, जिधर जिधर को गई उधर उधर ही हवा भी बह रही थी, हवा भी जा रही थी। बट एट द एंड उसका अगेन ये क्वेश्चन रेज ही रहता है कि हवा आती कहाँ से है। कहता कि ये कोई नहीं जानता, नोबडी नोज।